सलाम कभी वर आज मैं आप लोगों के साथ डिनर रोल शेयर कर रही हूँ। चलो इसको स्टार्ट करते हैं और इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। 2 कप मैंने फ्लोर लिया है, आधा चम्मच साल्ट, 1 चम्मच यीस्ट, 2 स्पून शुगर, 1 एग, 2 स्पून बटर, आधा कप दूध। पानी के साथ गुन रही हूँ। सात आठ मिनट इसको अच्छी तरह इस तरह मसल मसल के गुनूंगी। Dough is ready, very soft dough. So, oil. अगर आप लोगों के पास ये प्लास्टिक वाला रेप नहीं है तो आप किसी ढक्कन के साथ कवर कर सकते हैं। अब मैं राइस होने के लिए रखती हूँ 2 घंटों के लिए। 2 घंटे हो गए हैं, हमारा आटा भी फूल करके तैयार हो गया है। अब इसको पंच करते हैं ताकि इसका जो हवा है वो निकल जाए इससे। इसे छोटे छोटे इसके छोटे छोटे बाल बनाएंगे। थोड़ा सा ट्रे पर तेल लगाते हैं, इसको चिकना करते हैं। मैंने बहुत बाल तैयार कर लिया है, सब बाल तैयार हो गए। अब मैं आधे घंटे के लिए कवर करके रखूँगी। 1 घंटा हो चुका है और बन भी पुल करके तैयार हो गए हैं, राइस हो गए हैं। अब मैं इस पर थोड़ा सा दूध लगाती हूँ। मैंने दूध लगाया, आप लोग अंडा भी लगा सकते हैं। और थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, जिस तरह बाजार में डेकोरेट मिलते हैं इस तरह। मैंने ओवन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट किया 200 डिग्री सेल्सियस पे। जब आर रेडी, अब मैं थोड़ा सा मक्खन लगाती हूँ इस पे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब आर रेडी सो देखो, वेरी सॉफ्ट लुक लाइक बेकरी वाले बन। अगर आप लोगों को पसंद आए
तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुदा हाफिज़।